हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा पांडे। वेलकम टू माय आर्ट चैनल, माय आर्ट विजन। मैं आज एक कॉफ़ी की बॉटल को पेंट करने जा रही हूँ और उसे मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट का लुक दूंगी। सबसे पहले इस पर मैं जेसो का कोट अप्लाई करूँगी, देन मैं पिंक कलर से इसको पेंट करूँगी। तो ये रहा मेरा जेसो का पेंट। आप इसको किसी भी स्पॉन्ज या ब्रश किसी भी चीज़ से टैप करके ही पेंट करेंगे तो इसका लुक बेहतर होगा, अदरवाइज़ ये आपका ग्लास का जो ट्रांसपेरेंट लुक है वो दिख जाएगा। इसके बाद ये इसको ड्राई करने को रख देंगे और अब ये मेरा धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद मैं पिंक कलर इस पर अप्लाई करूँगी। ये रहा मेरा पिंक बॉटल जो मैंने पेंट किया है और अब मैं इस पर ब्लू कलर के फ्लावर्स पेंट करूँगी, 4 or 5 ब्लू फ्लावर्स। तो पहले मैं ब्लू कलर से इसको पेंट कर रही हूँ 4 से 5 फ्लावर्स। फिर उस ब्लू कलर के फ्लावर्स के ऊपर मैं कहीं कहीं वाइट कलर भी सेमी पेंट करूँगी, जिससे थोड़ा सा उस फ्लावर का लुक अच्छा दिखे। तो ये मेरे 6 to 7 फ्लावर्स बन गए। अभी मैं ये वाइट कलर के थोड़े थोड़े पेंट यूज़ कर रही हूँ जिससे फ्लावर का लुक थोड़ा सा अच्छा दिखे, थोड़ा सा क्रिएटिविटी उसमें दिखती है थोड़ी, तो अच्छा लगता है। और इसके बाद से अब मैं रेड कलर के फ्लावर्स से पेंट करूँगी, 4 to 5 फ्लावर्स। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसा भी डिज़ाइन बनाना चाहें, बस मैंने एक लुक दिया है। और ऐसे पेंट करके बॉटल्स को रखने से क्या है, आप अपने रूम में या कहीं भी स्टडी टेबल पर आप इसको इसमें मनी प्लांट लगा कर रख सकते हैं, जो अच्छा दिखता है और बॉटल का भी रीयूज़ हो जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। तो अभी ये रेड फ्लावर्स मेरे बन रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी से इस बॉटल में मैं फ्लावर्स के बाद कुछ थोड़े डिज़ाइंस भी पेंट करूँगी। तो ये मेरे रेड फ्लावर्स पेंट हो रहे हैं, होप आप लोग को पसंद आएगा। इसके बाद मैं एक थ्रेड या रिबन, आपके पास जो भी हो, थिक सा रिबन हो या थिक थ्रेड हो या वो रोप होता है, उससे किसी भी चीज़ से आप बॉटल का ऊपर का पार्ट उस पर एक बांध सकते हो उसको, जिससे उसका लुक अच्छा दिखेगा। और उसमें आप अपने हिसाब से और भी डिज़ाइंस कर सकते हैं, बहुत लोग उस पर पर्ल्स भी लगा लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं बस सिंपल फ्लावर्स बनाने के बाद थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी और उसके बाद उसमें मैं एक मेरे पास थ्रेड है पिंक कलर का, मैं उसको ही इसे पेयर करके बांधूँगी, जो अच्छा लुक देगा। सो फ्रेंड्स, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, ये मेरा मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी सजेशन या कोई भी चीज़, जो कोई भी डिज़ाइन, कोई भी आर्टवर्क जो आप चाहते हैं मुझसे कि मैं करूं, प्लीज़ कमेंट में डालिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अभी तो मैं इसको पेंट कर ही रही हूँ, ये मैं फिर इसमें लीव्स, थोड़े से लीव्स के भी लुक्स दूँगी, लीव्स और जो ब्रांचेस होते हैं वो, और ऊपर के पार्ट में ये ब्लू कलर से मैंने एक लाइन पेंट मतलब मैं कर रही हूँ, जो एक अच्छा लुक देगा। इसके ही ऊपर मैं एक पिंक कलर के थ्रेड को बांधूँगी, जो अच्छा लुक देगा। और ये साइड साइड में मैंने लाइट ब्लू कलर से, और उसके बाद ये देखिए मैं ब्लू कलर से पेंट कर रही हूँ, जो आप इसको चाहे तो ऑरेंज कलर से कर सकते हैं या डार्क पर्पल कलर से कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा इस पर इससे आर्टवर्क थोड़ा सा किया है, आप इसकी जगह पर्ल्स भी लगा सकते हैं, जो अच्छा लुक दा। और अब ये देखिए मैं ये पिंक कलर का एक थ्रेड ले रही हूँ, जिससे मैं इसको बांध दूँगी। बांधने से क्या ये आगे एक बो का लुक अच्छा दिखेगा। और उसके बाद जब ये बांध लीजिए तो आप चाहे तो इसको कहीं हैंग भी कर सकते हैं या स्टडी टेबल पर रखिए। मैं इसको अपने स्टडी टेबल पर ही रखूँगी, इसमें एक प्यारा सा मनी प्लांट लगाऊँगी छोटा सा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। और ये देखिए अब मैंने इसको बांध दिया है और ये रहा मेरा ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ ड्रॉप कॉमेंट्स.